आजमगढ़ से लोकसभा सीट हारने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से क्या बोले दिनेश लाल यादव निरहुआ, सुनिए। बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतू या हारू, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही, तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहां रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहां अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके इसकी भी चिंता आप ही को करनी है, क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही, तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले, तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 347,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के दम पे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहीं रहूंगा और यहाँ रह के, और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो हम लोग पूछेंगे सवाल कि भाई हमने 2 साल में आजमगढ़ में जो जो किया था वो जनता के सामने है। जनता भी पूछेगी कि 2 साल में हम लोगों ने नई रेलवे लाइन पास करवा लिया, हमने महायोजना पास करवा लिया, हम लोगों ने यहाँ सारी सड़कें बना दी, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, हम लोगों ने यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, हमने 2 साल में यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने आजमगढ़ में रिंग रोड पास कराया है, अभी जा रहा हूँ और गडकरी जी से मिलके और उसको भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी अभी तुरंत कराना है मुझे, तो ये सारा काम। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि उनको ले आऊं आजमगढ़, ताकि आजमगढ़ के जो और भी जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको भी हम लोग करवाएं। तो ये जीत और हार ये तो होती रहती है, पर जब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, आप चुनाव लड़े हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे जनता के बीच में रहें, उनका काम करें, और वही हम लोग करने वाले हैं और यही हम लोगों को सिखाया भी गया है और यही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, चाहे वो जीते या हारे, वो जनता के बीच रह के जनता का काम करता है और वही हम लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जब जिस दिन चुनाव जीते थे उन्होंने एक बाइट दी थी इंडिया को, उसमें कहा था कि मैं दिनेश लाल यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो तो गलती से राजनीति में फंस गए। आज इत्तेफाक से आप सामने बैठे हैं, तो अब उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि वो ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है ऑलरेडी, और मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया था और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यहीं आजमगढ़।